rishto.com जे पारां ज़रूरतमंद गरीब न्याणियुनि जे लाइ फ्री मेंबरशिप ऑफर 11 डिसंबर खां 25 डिसंबर 2021 ताईं जिते हू पंहिंजे मनपसंद जीवन साथीअ जी चूंड बिल्कुल फ्री में करे सघनि थियूं ऐं ॿियनि फ्री फैसिलिटीज़ जो फ़ाइदो पिणु खणी सघनि थियूं। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 में स्वामी शांति प्रकाश स्कूल से लेकर गौशाला तक बनने वाले रास्ते को लेकर कल हुई उल्लासनगर महापालिका में महासभा में काफ़ी हंगामा हुआ, जहां इस रास्ते की वजह से स्थानिक रहवासियों को मनपा की तरफ से कटिंग की मार्किंग दी गई और स्थानिक रहवासी खुद ही अपने निर्माणों को मार्किंग तक तोड़ रहे हैं। वहीं इस रास्ते पर होने वाले कटिंग की वजह से स्थानिक नगर सेवक विजय पाटिल की भूमिका पर कई सवाल उठे, जो कल की महासभा में कई नगर सेवकों ने इस मुद्दे को महासभा में जमकर उठाया। इन्हीं बातों को लेकर नगर सेवक विजय पाटिल ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, आइए जानते हैं क्या है कहना विजय पाटिल का। बताइए कि यहाँ पर जो रास्ते का आपने उद्घाटन किया लेकर स्वामी शांति प्रकाश स्कूल तक, वहाँ पर 60 फुट की कटिंग दी गई है और बाकी जो रास्ता दुर्गा पाला तक जाता है और महासभा में आज अरुण आचार्य ने भी कहा कि वह रास्ता हाजी मलंग के लिए जाता है, तो इतना रास्ता 60 फुट के लिए और बाकी रास्ता 40 फुट के लिए, इस प्रकार की प्लानिंग जो तय की गई है उसमें क्या बात है वो बताइए। प्लानिंग भाई साहब, पालिका की प्लानिंग भाई साहब, एक बात सुनिए पहले। प्लानिंग करने वाला नगर सेवक नहीं होता है, ये जो प्लानिंग किया है महाराष्ट्र सरकार ने किया है और जो रास्ता महाराष्ट्र सरकार ने 60 फुट का जहाँ से जहाँ तक किया है MMRDA और उल्लासनगर कारपोरेशन का, नगर सेवक का क्या प्रश्न आता है इसमें, मुझे बताइए नगर सेवक का क्या मना क्या प्रश्न आता है। लेकिन मामला ये है कि ये जो 60 फुट के जो रास्ता बना रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा दुकानदार भाई है जिनके 30-35 साल से दुकान है, अगर आगे का रास्ता 40 फुट बनता है तो ये भी रास्ता 40 फुट का बनना चाहिए जिससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी, उसमें आपका क्या कहना है भाई साहब। प्लान में क्या है वो तो देखो, आप इतने होशियार आदमी हो के, आप इतने जेंटलमैन हो के, आप अगर बोलते हैं कि मैं करने वाला कौन हूँ, मैंने कैसा किया, MMRDA में महाराष्ट्र सरकार में नगर सेवक की चलती है, अगर चलती हुएगी तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपके पैनल में पोस्ट ऑफिस से लेकर जो रास्ता सीमेंट ब्लॉक का बना था वो 60 फुट का रास्ता था, नगर सेवक की मध्यस्थता के हिसाब से उसमें 15 फुट रास्ता कम किया गया, नगर सेवक चाहता है तो उसमें मध्यस्थता करके अपने ओर से कर सकता है और ऐसे पैनल में आपके पैनल में हुआ है, आपको पोस्ट ऑफिस का रास्ता। मुझे एक बताता हूँ, अगर जो नगर सेवक की अगर इतनी पहुँच है कि MMRDA का रास्ता कम करके वो आदमी काम कर सकता है तो मुझे लगता है वो बड़ा आदमी है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, तो आप ही कर सकते हैं ना, नगर सेवक की क्या ज़रूरत है, नगर सेवक ये MMRDA के रास्ते बनाने के लिए मैं वहाँ पर कोई सभासद हूँ, ये नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो साहब ये आप उनके ऊपर एग्रेशन करो ना, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो। सर, ये MMRDA का जो फंड नहीं है, ये महानगर पालिका का फंड है। नहीं, आज हमने महानगर पालिका में शीतलानी जो इंजीनियर है और शिवखानी, उनसे पूछा, उन्होंने खुद कहा कि महानगर पालिका की निधि दी गई है। आप निधि से चलते हो, आप निधि से चलेगे कि जो रास्ता MMRDA ने महाराष्ट्र सरकार ने जो आपको दिया है उसके ऊपर चलते, निधि मेन है कि जो रास्ता MMRDA ने महाराष्ट्र सरकार ने जो दिया है उसके ऊपर चलते, निधि का और इसका क्या प्रॉब्लम है। सर, MMRDA की जो दिशा निर्देश होती है वो चेंज नहीं होती है, पालिका के हम लोग नगर सेवक महासभा में लाके चेंज कर सकते हैं, तो आप करो, तो फिर यही मुद्दा है और नहीं, कोई नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। अगर रास्ता आज आपने कम किया कल वो टूटेगा, मेरे भाई लोग जो है आज जो जितने भी दुकानदार भाई है 5 साल में उसकी जबरदस्ती आप लेंगे, आप ले सकते हैं क्या कि 5 साल में ये रास्ता टूटेगा नहीं कभी, 10 साल में रास्ता टूटेगा नहीं कभी, क्यों बेईमानी करने का, जो आए वो साफ साफ। रास्ता रुंदीकरण करने का क्या उद्देश्य,
इतना सर्वात महत्वाची गोष्ट शाला आहे। या शाळेत 6000 मुलं शिकतात, त्यांचा आता कॉलेजचा पुढेही आहे। बाजूला स्वामी शांती प्रकाश आश्रम आहे, त्यांची गौशाला आहे आणि हा 150 मीटरचा रस्ता आहे। इथं तुम्ही येऊन बघा, माझी जेवढं बांधव येतात एवढी पोरं येतात। बाहेर निघाला सुद्धा एकही दुकानातनं माणूस एक घंटा जेव्हा शाळा सुटतं तर निघू शकत नाही। एखादं बारच जेव्हा असतं तेव्हा तिथं जायला, आश्रममध्ये जायला रस्ता नसतं। मग जो हाय तर केलं पाहिजे ना, आणि विकास नाही केला कसं चालणार? आणि कोणाला त्रास असेल, मी तर काय करू शकत नाही। त्यांनी शासनाकडे जावं, कॉर्पोरेशनकडे जावं, नगरसेवकाचा काय प्रश्न येतो याच्यात? आणि त्यावेळी जसा बोलला का नगरसेवकाचा प्रश्न आहे, नगरसेवक कमी करू शकतो, त्यांचा अधिकार असेल, माझा अधिकार नाही आहे नगरसेवक म्हणून। ऐसी भी जानकारी आई है कि पूर्व आमदार पप्पू बालानी ने इस विषय में आपसे बात की और ये आपको कहा कि दुकानदारों को 10 फुट की राय दी जाए, और सर्वसम्मति से भाजपा पार्टी भी तैयार है, राष्ट्रवादी भी इस बात में तैयार है कि दुकानदारों को 10 फुट की राय दी जाए, तो आपका इसमें क्या कहना है, आप इसमें राजी है? देखो, शेर शेर होता है, शेर की बात सब सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। मैं एक साधारण नगरसेवक हूँ, ऊपर के पॉलिटिक्स में जो भी कुछ करना है मेरे तो कोई सुनेगा नहीं। तो उन सब लोग को अगर अच्छा नहीं लगता है या अच्छा जो उनको लगता है, मैं उनके साथ में हूँ, मुझे तो साथ में ही जाना है। हा रस्ता जो आया 7 फुट ही है, पुढचा रस्ता 40 फुट करणार आहे, असं तुझा भाव का? जेवढा MMRDमध्ये आहे तेवढाच MMRDचा मी बोलू शकतो, बाकीचा मी बोलू शकत नाही। दुजा भाव म्हणजे पाहिजे ना त्याच्यात प्लॅनमध्ये MMRDचा 60 फुट, तुमचा आता पुढचा रस्ता आहे तो 40 फुटचा आहे, माझ्या ऑफिसच्या पुढचा 40 फुटचा आहे। महापालिकेच्या महासभेत आज भरपूर विरोध करण्यात आला या गोष्टीवरती, यावरती तुमचं काय म्हणणं आहे? आता काय कोणी केलं आहे ते मला सांगाल का? असा प्रकारे विरोध झाला आहे तर मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल बोलू शकतो, मला माहीतच ना मी नव्हतो, तर तुम्ही सांगा मला की विरोध काय झाला आहे। आप स्थानिक नगरसेवक हैं, जिस तरीके से अगर डेवलपमेंट को लेकर जो की कार्रवाई हो रही है, इसमें कई लोगों की पूरी दुकानें जा रही, तो कई लोगों की जो है घर भी जा रहे हैं, तो उसको लेकर कोई विचार विमर्श किया गया कि जो है कहीं रिहैबिलिटाइज किया जाएगा, या फिर KB रोड की तरह जो 5 साल तक अब तक रिहैबिलिटाइज नहीं हुआ, ये भी इसी तरीके से बेघर हो जाएंगे? आज तक उल्लासनगर में, अब तो हमारे प्रेस वाले तो बड़े क्या बोलते, चौथा स्तंभ देशातला, आज परत उल्हासनगर मध्ये कोणाचं काय गेलाय आणि त्यांना कोणाला काय भेटलाय, कानूनी तो कानूनी कारवाई है ये, तो कानूनी कारवाई में नगर सेवक उनके साथ रहेगा ना, दूसरा क्या कर सकता है? अगर महाराष्ट्र शासन ने किसको दिया है उल्हासनगर में, किसी को भी कुछ दिया है, किसी के साथ भी हम खुद कहते हैं भेदभाव होना नहीं चाहिए। अगर उल्हासनगर में मेन रोड अपना 3 नंबर का शांतिनगर से जहाँ जहाँ उनको सुविधा मिली है, जो जो चीज़ उनको मिली है वो मेरे लोगों को मिलनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। तुमच्यावर असा पण आरोप केला गेलाय की जिथे 60 फुटाची कटिंग आहे तिथे मागं तुमच्या प्रॉपर्ट्या आहेत, त्या प्रॉपर्ट्या पुढे येण्यासाठी तिथे जास्त कटिंग केलेली आहे आणि पुढे कमी कटिंग केलेली आहे, असा पण तुमच्यावरती आरोप केलेला आहे, यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही हा विषय मला सांगितला, खूप चांगली गोष्ट आहे। मी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो, पहिले तर तुम्हाला करतो, हा रस्ता हा महानगरपालिकेचा आहे ना, महाराष्ट्र सरकारचा, याच्या हे जेव्हा प्लॅन तयार झाला त्याच्यानंतर मी कुठलीही प्रॉपर्टी घेतली असेल तुम्हाला 10 लाख रुपये बक्षीस, या प्लॅनच्या नंतर मी इथं कुठलीही प्रॉपर्टी घेतली असेल तर तुम्हाला 10 लाख रुपये बक्षीस। हा काम तुम्ही करा
आणि मला सांगा की ही प्रॉपर्टी तुम्ही घेतले. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की माझं एकही प्रॉपर्टी नाही त्या साईडला? माझी सगळी प्रॉपर्टी आहे आणि मी इथं खानदानी माणूस आहे. इथली जमीनदारी माझी. तुम्ही उल्हासनगर नंतर झाला, त्याच्या आधीपासनं या सगळ्या जमिनी माझ्या. आणि या जमिनी जर माझ्या असतील तर त्याच्यावर माझाच अधिकार राहील ना. पण मी कोणाची जमीन या 5-7 वर्षात या रस्त्याच्या बनल्याच्या आधी जर कोणाची घेतली असेल तर तुम्हाला अधिकार आहे बोलायचा. जिथं 40 फुटाचा रस्ता होतोय तिथं फ्रंटला तुमचे गाळे वगैरे आहेत आणि ते कटिंगला जाणार, त्यामुळे तुम्ही रस्ता छोटा करता असंही आरोप होतो तुमचा. 60 फूट करा तुमच्यात हिंमत असेल तर. मी तुम्हाला सांगतो, राजनीती लोकांच्यात हिंमत असेल तर तोही 60 फूट करा, तोही 60 फूट करा जर हिंमत असेल तर. विकासाच्या कामात मध्ये येत असेल तर आता तुमची सगळ्यांची मी हिंमत बघता तो 60 फूट करून दाखवा तुम्ही. यह विषय काफी गरमाया हुआ है, लेकिन इसमें जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है या फिर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो सामने नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? किसी को नुकसान नहीं हो रहा है. जो जो व्यापारी अब जो जो व्यापारी का जो नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े सबके दुकान है अभी 1+2 बनाए गए तो किसको पैसा दे के बनाए गए क्या? सबका फायदा ही फायदा है, क्या नुकसान है किसका? और किसका नुकसान है? मैं उनके साथ में बैठने के लिए तैयार हूँ. मेरे को आके बतावे कि मेरा ये नुकसान है और ये मेरा ये हो रहा है, मैं तैयार हूँ. और आप सब लोग भी आना. सर, यहाँ के काफी व्यापारी शहर के नेताओं के पास भी गए हैं. आज जो इंडिकेशन लगी है महानगर पालिका में नगर सेवकों द्वारा कि आपका दहशतवाद यहाँ पर चल रहा है, कोई भी यहाँ पर जगह बेचने से पहले आपसे बात करनी पड़ती है, उसके बाद वो जगह बेच सकता है, ऐसी बातें और दहशतवाद के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं महासभा में जो मिनट्स में कैद है, आप क्या कहेंगे उसके लिए? अगर ऐसी बात कोई कहता है कि मेरी इतनी दहशत है तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है. पर एक बात सुनो, विजय पाटिल जिसने अपने माँ बाप से लेके सच्चा चला है आज तक और लोगों की सेवा की है, कमीने लोगों जो बोलते हैं ना उनको बोलो आके मेरे सामने 4 आदमी में बैठो तो सही, मेरे दुकान वाले को बुलाओ और तुम आके सामने मेरे बैठो और चर्चा करो मेरे से. वही तो उनको हिम्मत नहीं ना सर आपके सामने आने की. अगर उल्हासनगर में इतनी मेरी दहशत है और जिसके ऊपर एक एनसी केस नहीं है और मेरी ऐसी इतनी दहशत है, मैं खुश हूँ, मुझे क्या तकलीफ है? शेर शेर होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.